नाज़रीन इकराम, अब तक हमने आपको शहर के कई कोचिंग सेंटर के कामयाब बच्चों से मिलाया है। आइए आज आपको ले चलते हैं चांदीपुर के एसएस कोचिंग सेंटर, जहां 5 क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की पढ़ाई 6 जिम्मेदार टीचरों की निगरानी में होती है। बच्चों को कंप्यूटर क्लास, ड्राइंग क्लास भी दी जाती है। साथ ही जदीद टेक्नोलॉजी के तहत प्रोजेक्टर में बच्चों को समझाया और पढ़ाया भी जाता है। 2013 से ये कोचिंग सेंटर अब्दुल सर कई टीचरों की मदद से चला रहे हैं। अब्दुल सर का मकसद है कोई भी गरीब बच्चा माली दिक्कतों की वजह कर पढ़ाई से महरूम न रह जाए, चाहे वो शहर का बच्चा हो या गांव का। इसलिए अब्दुल सर एसएस कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले बच्चों को फ्री किताब भी देते हैं। इस बार एसएस कोचिंग सेंटर में 10वीं जमात के बच्चों ने बेहतरीन रिजल्ट किया है। 100% बच्चे बेहतरीन नंबर रख कर कामयाब हुए हैं। आप देख रहे हैं इन कामयाब बच्चों को कोचिंग सेंटर की जानिब से एजाज से नवाजा जा रहा है। बच्चे और उस्ताद बेहद खुश नजर आ रहे हैं। आइए आपको सीधे उन कामयाब बच्चों की बातें सुनाते हैं। नाज़रीन कराम आदाब। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपको लगातार वो तमाम सक्सेस बच्चों को आपके सामने रूबरू करवा रहा हूँ, आपको सामने लेके आ रहा हूँ कि इससे क्या होता है कि हमारे जो नई नस्ल जो इस आने वाले दौर पे जब 10वीं की जो है इम्तिहान देंगे तो उनकी हौसला अफजाई होगी इन बच्चों को देखकर। तो नाज़रीन कराम, इस वक्त हम पहुँचे हैं बालासोर के चांदीपुर में, यानी सोनापुर चौक से जो चांदीपुर का जो है रास्ता आता है, चांदीपुर पहुँचे हैं। और चांदीपुर में एक खूबसूरत एसएस कोचिंग सेंटर के नाम से एक ज़बरदस्त कोचिंग सेंटर चल रहा है, और ये तमाम कोचिंग सेंटर के जो टीचर हैं वो आप कह लिया जाए कि अब्दुल सर हो, गौतम सर हो, या पुष्पिता सर मैम हो, या उमय सर हो, सत्या सर हो, साई सर हो, ये तमामों की कोशिश से आज जो है ये एसएस कोचिंग सेंटर में के जो तमाम बच्चे मतलब 100% रिजल्ट किए हैं, 100% नंबर उनका आया है, 100% रिजल्ट उनका आया है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कामयाब होने वाले बच्चे बैठे हैं, सर हैं उनके साथ में उनको आशीर्वाद करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अब्दुल सर जो है ये ज़बरदस्त कोशिश करते हैं कि ताकि यहाँ के जो माहौल है, गाँव एरिया है, पंचायत एरिया, यहाँ के बच्चे किस तरह कहीं पीछे ना रह जाएँ, इस कोशिश से अब्दुल सर जो है एक कोचिंग सेंटर जो है अब्दुल सर के साथ में मिलकर और बहुत सारे सर मिलकर जो है ये कोचिंग सेंटर जो है जारी रखे हैं, एसएस कोचिंग सेंटर है। तो अब्दुल सर से पहले पूछेंगे, अब्दुल सर आप जो है यहाँ पे गांव में एक कोचिंग सेंटर चला रहे हैं तमाम टीचर को लेकर, तो किस तरह आज जो है आपके बच्चे सक्सेस हुए हैं, कामयाब हुए हैं, क्या कहेंगे, कितना नहीं? सबसे पहले मैं कुछ छोड़ के पहले बच्चे का पीछे लगते हैं, क्योंकि जो कमज़ोर बच्चा है वो क्या है ना, उसका पीछे पहले हम लोग ये देते हैं कि कैसे कि उनका रिजल्ट अच्छा हो। तो रिजल्ट अच्छा होने से क्या ना, ऑटोमेटिक में बच्चे आएंगे, 10 का बुक को फ्री देते हैं फ्री में, यानी कोई बच्चा गरीब बच्चा है उसके पास पैसा नहीं है, हम उसको पढ़ाने का कोशिश करते हैं फ्री में, जिसके माँ बाप नहीं है, जो यतीम बच्चा है उनको हम पढ़ाना चाहते हैं, खुशी से पढ़ाना चाहते हैं और जितना कोशिश करते हैं। ये कामयाब होने का जो आपका जो चिंताधारा था कि बच्चे कामयाब, और उसका अभी जीता जागता सबूत आपके सामने है, ये बच्चे सक्सेस हुए हैं और ये 10वीं जमात में पास किए, आगे चलकर अपना फ्यूचर बनाएंगे, अच्छा अच्छा जगह पे जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हमें पता चला कि यहाँ पे कंप्यूटर की भी ट्रेनिंग आप फ्री देते हैं बाकायदा तौर पर, बहुत सारा प्रोजेक्टर में जो है पढ़ाई जारी रहता है, 2013 से आपने शुरुआत किया। तो हम सबसे पहले बच्चों से ही पूछ लेंगे, क्योंकि उनके बच्चों की जो है ये खुशी है, क्योंकि बच्चे जो है मेहनत किए हैं, कितना मेहनत किए, जो बच्चा सबसे ज्यादा नंबर रखा है A1 ग्रेड से कामयाब हुआ है उससे हम बात करेंगे। कौन नाम तुम्हारा? चिन्मय बारिक। चिन्मय बारिक, हाइट पे मत जाइएगा क्योंकि नाज़रीन हाइट बच्चा का बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम जो है उससे पूछेंगे। अच्छा, तो मैं तुमको बहुत बहुत बधाई, तुम्हें मैट्रिक रे पूरा सफलता पाई छो, सार माने तुमको फूल तोड़ा दे कि वेलकम कर चंदी, डायरी दे चंदी, पेन दे चंदी, सबू दे चंदी, कितने खुशी अनुभव कर चो यहाँ पूछ रहे कहाँ को श्रेय दबो यहाँ पूछ रहे मैं प्रथम भगवान को श्रेय देना चाहूँगी,
तापरे मो पिता माता गुरुजी गुरुमा को सेवा जाए कारण तांकरी प्रचेषा एवं भगवान को दया फल मु मैट्रिक भल मार्क रखिपारी मोर आशा अनुसार फल मैट्रिक 600 मार्क 548 मार्क रही आउ 91.1 समथिंग परसेंट रुचे भल मैंने खुशी अच्छी आ मो परिश्रम फल पाई कितने घंटा पाठ पढ़ु कितने परिश्रम करथलो सेटा भी आमको जानिबा आमे को उचित कितने घंटा पाठ दिन 10-12 घंटा परिश्रम करथली ता फल मो मैट्रिक भल मार्क रहला कौन आगामी कौन सपना रही छी कौन करिवो आगामी मो ने प्लस 2 सर पे चाहू एमबीए मेडिकल पढ़ी एमबीएस एमबीएस पाई के डॉक्टर पे जाऊ छी बहुत बड़ी बात है कि जो है डॉक्टर बनना चाहता है बच्चा और भी बहुत सारे बच्चे हैं तो उनसे बात करेंगे काजल खातून ये जो है मतलब एसएस कोचिंग सेंटर की ही बच्चा है क्या थैंक यू बोलना चाहती हूँ उनके वजह से ही ये कामयाब हुआ है और मैं बड़ी होकर एक एडवोकेट बनना चाहती हूँ बहुत 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 बड़ी बात है कि एडवोकेट बनेंगी न्याय मंदिर तक पहुँचेंगी और लोगों को जो है न्याय दिलाएंगी हमारे तर्जुमान की तरफ से भी तुमको बधाई कि तुम लोगों की पढ़ाई करो और तुम बहुत ही सक्सेसफुल एडवोकेट बनो हमारे साथ और बच्चे हैं जो सक्सेस हुए हैं उनका नाम जानेंगे नाटक अंजलि कितने खुशी अनुभव करते हो बहुत कौन कर भैया जो सक्सेस है जो यार पूछ रहे का माँ बापा को हाथ अच्छे और सर में कौन आगामी कौन इच्छा अच्छी टीचर टीचर बाबा तो नाज़रीन ये तमाम बच्चे ये जो एसएस कोचिंग सेंटर मैं आपको और एक बार बता दूं 2013 से शुरुआत किया गया था ये तमाम टीचर ये सब टीचर बैठे हैं टीचर भी खुद यंग हैं बच्चों के साथ जो है घुल मिलकर पढ़ाते हैं उनसे मैडम से पूछेंगे मैडम है हमारे साथ पुष्पिता मैडम है मैडम कितने खुशी अनुभव कर मैडम कितने खुशी अनुभव कर आप पिला मैंने सक्सेस होती बहुत कौन कहे ये पिला मैंने कौन कहे सर पाने बहुत कष्ट बहुत पाठ पढ़ापी परिश्रम करते सब पी बहुत भल बहुत मानते मिसिकी आम जमी पढ़ाऊ से आम सहित मिसिकी मैंने भलसे पढ़ापी चेषा करते आगामी कौन भल फ्यूचर जहाँ इच्छा अच्छे से पूरण हो बस बहुत बड़ी बात है एक टीचर के लिए और क्या ख्वाहिश हो सकती है कि जो बच्चे सपना देखते हैं वो पूरा हो हमारे साथ और एक टीचर है उनका नाम जानिए कौन नाटक गौतम कुमार दास कितने खुशी अनुभव करते आज पछरे जे पिला माने ठिया हैछंदी आपनर परिश्रम आज फल मिलती कौन कह देखु आम शिक्षक मैंने कहना गले समाज में प्रथम कथा होने समाज संस्कारक भाव में परिचित तो आमे शिक्षक मानकर कर्तव्य जो पिला को आमे ठीक बाट देखेबू केमी से भल पाठ पढ़े केमी से आगे बड़ मनीष हे बापमा को परे जदि कह जाए द्वितीय गार्डियन हो शिक्षक मैंने तेणु आम आम बापमा जो भली प्रकार मानने छाड़ी आम पाक जो भरोसा करे पिला गोटे भल कोचिंग सेन्टर जाऊँगी भल पाठ पढ़व तो तार आम से विश्वास आम मानने ठीक ठाक कम करूँ पाने भल रिजल्ट करम पिला प्राय मैक्सिमम आम कोचिंग सेंटर 17-18 जन पिला आम हायर फर्स्ट क्लास पाई विथ 2-3 जन पिला टिके माने कम रही थे कमजोर जे कि टिके माने अल्प मार रखी से किसी असुविधा ना कि आगे भल कर बार्ता रखे पिला आगामी बार्ता यह मुझे पिला देवी जे आगक अनुसार सी जहाँ इच्छा करने चाहूँ समाज मानते समाज में जमी आगे बढ़ियापी चाहूँ बढ़ु कितु खराब बाटर से निवृत्त रुहतु निजक सोशल मीडिया ठीक दूरे रखु कहीं सोशल मीडिया आजिकाली बहुत मानते पाला क्षतिकारक यही कह आई बहुत बड़ा पैगाम यहाँ से ये गौतम सर दे रहे थे सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए नाज़रीन आपको इस तरह के जो है बालेश्वर शहर के तरह तरह के कोचिंग सेंटर का जो है झलकियाँ आपको दिखाने का वजह यह है ये तमाम कामयाब बच्चे आपको नज़र में आ रहे हैं ये गांव पंचायत एरिया है लेकिन यहाँ के बच्चे इस तरह सक्सेस हो रहे हैं तो शहर के बच्चे कितना नहीं आगे जा सकते हैं तो मेरा दिखाने का हमारा चैनल का माध्यम से दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं आगे 10वीं जमात के लिए वो दिल लगा कर पढ़े चाहे कोई भी जमात का पढ़ो चाहे 12वीं का हो पढ़ाई करो या फिर ग्रेजुएशन के लिए या फाइनल ईयर में हो तमाम पढ़ाई के लिए जो है आगे बढ़ते रहिए कोशिश करते रहिए ये जो एसएस कोचिंग सेंटर है इस वक्त हम मौजूद थे और चांदीपुर में और यहाँ पे जो है तमाम बच्चे 100% नंबर से कामयाब हुए इस बार और उम्मीद करता किया जा रहा है कि हर बार इस तरह का रिजल्ट आता रहेगा इसी के साथ अजीम बालेश्वरी तर्जुमान न्यूज टाइम बालेश्वर ओडिशा बालासोर के स्टेशन चौक पे चल रही है एक बेहतरीन राशि रत्न की दुकान
समीर जेम्स, जहां आपको वाजिब कीमत पर हर तरह के कीमती रतन अपनी अपनी पसंद के मुताबिक मिल पाएगा। मेरा नाम मोहम्मद समीर, स्टेशन स्क्वायर के पास हमारा दुकान है समीर जेम्स। यहाँ पर ऑल टाइप ऑफ वैरायटी का स्टोन अवेलेबल है। पत्थर के शौकीनों से कहना चाहता हूँ कि एक बार जरूर समीर जेम्स आए और यहाँ से पत्थर लेके जाए। तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें समीर जेम्स, स्टेशन चौक बालासोर। मोबाइल नंबर 9437264128, 9861391586।